हम तैयार हो गए हैं आज घूमने जाने के लिए। आज दुबई में हमारा थर्ड डे है और आज हम जा रहे हैं फ्यूचर म्यूजियम और शाम को हम जाएंगे डेजर्ट सफारी। और फ्यूचर म्यूजियम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसकी टिकट हमने करीब 1-1.5 महीना पहले निकाली थी और जैसे कि आप सबको पता ही होगा ये कुछ टाइम पहले ही, शायद 1 साल पहले ही ओपन हुआ है, तो इसकी एडवांस बुकिंग 1-2 महीने की पहले से ही हो जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि चलो वहीं पे ऑन द स्पॉट टिकट ले लेंगे तो काफी मुश्किल होने वाला है। हाँ, टिकट्स नहीं मिलेंगे आपको, इसीलिए आप एडवांस में टिकट्स कराइए। इसके लिए हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने जब देखा कि यार ये कैसी बिल्डिंग है, इसके अंदर 6 फ्लोर या 6 के ऊपर ही फ्लोर है, उसमें कैसे अकोमोडेट किए होंगे अंदर। पहले तो ये लग रहा था कि एंट्री होगी भी नहीं होगी, लेकिन चलो आज अंदर से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे दुबई में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी का बारे में आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप पानी कहाँ से ले सकते हैं। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ पीने का पानी तो हाँ, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, तो हाँ, अगर तो मैं आपको बताऊँ तो होटल हमें सिर्फ ये बॉटल्स दे रहा है जो कि 1 लीटर भी नहीं, आई थिंक आधा लीटर ही होगी। हाँ, ये हाँ। मतलब 2 बॉटल्स पर डे होटल देता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। बट अगर आपको उसके ऊपर लेनी है तो ये पर बॉटल का चार्ज लगाएंगे 12 दिरहम, जो कि इंडिया के हो गए करीब 250 रुपये। एंड हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, वेल बेसिकली हमने इस बारे में रिसर्च करना भूल गए थे। हाँ। तो फिर ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि होटल से बिल्कुल लगा हुआ एक सुपर स्टोर है, अलमाया समथिंग, बट यहाँ पे काफ़ी सारे सुपर स्टोर हैं जो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे देखिए फर्स्ट डे हम लाए थे ये वाला 5 लीटर का कैन, जो कि पड़ा 2.5 दिरहम का, विच इज़ अराउंड 55 रुपीज़। और कल मैं ये लेके रहा, ये 1 बॉटल 1.5 लीटर का है, तो 6 बॉटल का सेट 9 लीटर, वो पड़ा मेरे को 5 दिरहम का, जो कि हो गया करीब 120 और रुपीज़। सो रेट्स काफ़ी वेरी करते हैं हर जगह पानी अगर आपको चाहिए पीने के लिए, लेकिन हाँ मेक श्योर करें कि आप सुपरमार्केट से काफ़ी ज़्यादा पानी अपने साथ रख लें होटल में ला के या कैरी करने के लिए, एंड हाइड्रेटेड रहिए। हम लोग इंडिया में कैसे जाते हैं मॉल में ओपन टैप होता है उसका, तो यहाँ पे शायद वैसा कल्चर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने और फिर आपसे मिलते हैं फ्यूचर म्यूजियम में। यह है हमारे आज की राइड, ये हैं हमारे आज के राइडर, इनका नाम है जाहिद। चलते हैं फ्यूचर म्यूजियम। इसका टिकट प्राइस है 145 दिरहम, जो कि होता है 3200 इंडियन रुपीस। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर अंदर से ऐसा दिखता है दोस्तों, काफ़ी रश है यहाँ पे आज। स्कूल के बच्चों का ग्रुप टूर भी यहाँ आ रखा है, इसीलिए शायद थोड़ी और ज़्यादा भीड़ लग रही है। म्यूजियम में एंटर होते ही यहाँ की मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। पता नहीं इसे उड़ती चिड़िया बोलते हैं या उड़ती मछली बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 7 फ्लोर्स हैं। 6th और 7th फ्लोर इन्होंने स्पेशल इवेंट्स के लिए रखा हुआ है, एंड बाकी सारे फ्लोर्स चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। सो 5th to 1st अलग अलग चैप्टर्स हैं और वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th से एंड देन जाएंगे 1 पे। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सप्लोर करना। Captain Tala speaking. Your journey to OSS Hope takes approximately 4 minutes and 30 seconds. Hold on tight and enjoy the ride. 3, 2, 1. यहाँ से देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये है ओएसएस ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन। स्पेस में जो मशीन्स अभी यूज होती हैं और जो फ्यूचर में हो सकती हैं, यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। अप्लाई करो ना, अप्लाई देखो आगे होगा। ये तो बहुत ही हॉरिबल आया है यार, डरा हुआ सा लग रहा हूँ मैं स्पेस में। चैप्टर 1 अभी खत्म हो गया है, हम लोगों का रिक्रूटमेंट भी हो गया है ओएसएस रिक्रूटमेंट सेंटर में। अब हम अर्थ की साइड वापस जा रहे हैं। लग रहा है उसमें, और हम धरती पे बहुत ही सही सेफली लैंड कर गए हैं। लेकिन तुम धरती की हो नहीं, तुम एलियन ही हो। एलियन। दिस इज चैप्टर 2 द हील इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दुबई 2050 में कैसा दिखने वाला है। ये इनका विजन है जो कि बहुत ही शानदार है। ये है डीएनए लाइब्रेरी। इन्होंने यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ के स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। When I count to 3, you will go close to your microphones and make the sound So the longer you hum, the stars float up to the center and tries to form a connection. If the connection is successful, your same microphones will emit a fragrance. Alright? Okay. Humming itself has great benefits. It is known to relieve stress and anxiety. It helps to lower your heart rate and blood pressure. So let's try it all together. 1, 2, 3. Keep going, almost there. Alright, congratulations, you all found the connection. Now bring your nose close to smell the scent. Do you all smell the scent? Alright, it was the scent of a tribulus flower. You must have seen it depicted at the entrance. This flower is the national flower of UAE. It has great medicinal and healing properties. यहाँ पे आके काफ़ी रिलैक्स फील होता है। पानी की वाइब्रेशंस आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, उससे आपको मेडिटेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। संभाल के, ये ऊपर से इनकी लाइट आ रही है और वो बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए नीचे वही लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वाटर हम चलने से हट रहा है, रेत हट रही है, ऐसा कुछ। देखिए इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आज के ज़माने की चीज़ें जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर में कैसे इवॉल्व होंगी और उनमें किस टाइप का इनोवेशन लाया जा सकता है। Welcome to the Museum of the Future. I'm great, thank you. I'm so happy to see you here at the Museum of the Future. We hope to see you soon. Enjoy the Museum of the Future. An interesting, but not enough to answer it. Nice to meet you. Is there something? So this cute little girl has taken a very nice picture. इसने हमारी बहुत ही प्यारी सी फोटो ली है अपने छोटे से कैमरा से. She is very cute. चैप्टर 1 का नाम है फ्यूचर हीरोज़, जो कि मेनली बच्चों के लिए है और यहाँ पे ये बताया गया है कि फ्यूचर में बच्चे खेलने के साथ साथ कैसे सीखेंगे। इस ओपन एरिया में आने का अलग ही मज़ा है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ से म्यूज़ियम का और आसपास के एरिया का बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने मिलने वाला है।